हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की सारी वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर अभी इस तरह की जो ब्लर वाली सारी वीडियो है अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। गाइस, आप इस बंदे के पेज को देख सकते हैं, इनके अभी 3649 फॉलोवर हो चुके हैं। और गाइस, आप देख सकते हैं इनके वीडियो में कितने ज़्यादा व्यू और लाइक जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके इतने कम फॉलोवर हैं और इतने ज़्यादा इनकी वीडियो में व्यू जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो में बहुत सारे व्यू और लाइक आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको पिक्सल लैब ऐप को, अलाइट मोशन ऐप को, कोर कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आपको पिक्सल लैब ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, आपको अलाइट मोशन ऐप और कैपकट ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अलाइट मोशन ऐप को और कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है। तो गाइस, आपको सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से आपको न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन को डिलीट करना है। इसमें आपको सारी को लिखना है, ए वाले ऑप्शन पर जाना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, यहां से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है, यहां पर आपको सारी को लिखना है। तो गाइस, मैंने सारी को पहले से ही कॉपी किया है, तो यहां पर हम उसको पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम सारी को यहां पर पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम सारी को बीच में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। इस वाले फॉन्ट की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम फॉन्ट को सारी में लगा देंगे। अब यहाँ पर गाइस, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नीचे में, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो जो आपकी जो सारी की लाइन है बीच में इस तरह से लग जाएंगी। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस, हम इसमें स्टिकर को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टिकर को सिलेक्ट करने के लिए आपको टेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम इसमें स्टिकर को सिलेक्ट करेंगे और स्टिकर को गाइस हम ऊपर साइड में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको माई फॉन्ट पर जाना है। तो स्टिकर में गाइस, आपको iOS वाले फॉन्ट को लगाना है। इस iOS वाले फॉन्ट की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब गाइस, आपको इसमें अपने इंस्टाग्राम आईडी को लिखना है, टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी को लिख देंगे। और इंस्टाग्राम आईडी को आपको नीचे साइड में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ से आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट इंस्टाग्राम आईडी में लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से गाइस, हम एक फॉन्ट को इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो इंस्टाग्राम आईडी में हम इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से हम लगा देंगे इंस्टाग्राम आईडी को। इंस्टाग्राम आईडी के लोगो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पर जाना है। यहाँ से गाइस, आपको मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम इंस्टाग्राम के लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद इस तरह से आपको इसको छोटा करके नीचे साइड में अच्छे से यहाँ पर लगाना है। इस तरह से हम इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। आप अपने हिसाब से इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा सकते हैं। अब गाइस, आपको इस सारी को PNG में कन्वर्ट करना है। PNG में कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा चौथे नंबर वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो ये सारी है PNG में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो PNG सारी है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब यहां से आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है।
यहाँ से आपको नॉन रेसोसिटी वाली साइज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले इसमें एक साउंड वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है, ऐसे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। तो यहाँ से हम इस वाली साउंड वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। इस वाली वीडियो की लिंक गाइस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एस्ट्रक ऑडियो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो को जो साउंड है निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड वाली लेयर है जो आ चुकी है। अब आपको इस वाली वीडियो को डिलीट करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड वाली वीडियो है जो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में जो साउंड है वो लग चुका है। अब यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। इस तरह से आप किसी भी वॉलपेपर को या फिर अपनी फोटो को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे। इस वॉलपेपर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वॉलपेपर को थोड़ा सा बढ़ा करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा डार्कन वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से गाइस आपको देखना है, आपको वॉलपेपर की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही साउंड की लेयर के बराबर जो वॉलपेपर की लेयर है वो हो जाएगी। अब यहाँ से गाइस आपको देखना है, अब यहाँ पर आपको उसी वाली पीएनजी साड़ी को सिलेक्ट करना है जो आपने पिक्सल लैब ऐप से बनाई थी। उसी वाली पीएनजी साड़ी को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, एल पर जाना है। तो इस तरह से हम पीएनजी साड़ी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद पीएनजी साड़ी को आपको इस तरह से नीचे साइड में सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगाना है। आप अपने हिसाब से इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपको पीएनजी साड़ी की लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही पीएनजी साड़ी की लेयर भी साउंड की लेयर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आपको साड़ी की लेयर के शुरू में आना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है वार्प वाले इफेक्ट को। सर्च करते ही फर्स्ट में जो वार्प वाला इफेक्ट वो आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको साड़ी की लेयर में व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही साड़ी की लेयर में जो व्हाइट मार्क लग जाएगा। अब ये जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है ये अभी 0.0 पर सेट है, इसको आपको 3.00 पर सेट करना है। इस तरह से आपको इसको बढ़ाना है। तो इस तरह से हम 3.00 पर इसको सेट करेंगे। अब आपको साड़ी की लेयर के एंड में जाना है। यहाँ पर अभी आपको व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही साड़ी की लेयर में जो व्हाइट मार्क लग जाएगा। अब गाइस आपने जो फर्स्ट वाले ऑप्शन को 3.00 तक बढ़ाया था, अब आपको इसको 0 पर लाना है। इस तरह से हम इसको 0 पर ला देंगे। अब आपको लेयर के भी शुरू में आना है। तो हमारी जो साड़ी है कुछ इस तरह सेट हो जाएगी। अब गाइस यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आपको तीसरे नंबर पर जो स्पेसिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपको 4.0 पर सेट करना है। इस तरह से हम इसको कम कर देंगे। अब यहाँ से गाइस आपको चौथे नंबर वाला जो ऑप्शन मिल रहा है ये अभी 4.0 पर सेट है, इसको आपको 1.5 पर सेट करना है। इस तरह से हम इसको भी कम कर देंगे। अब यहाँ से आपको बर्फ वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से गाइस आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है गेज वन ब्लर वाले इफेक्ट को। जी सर्च करते ही गेज वन ब्लर वाला जो इफेक्ट वो आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको गेज वन ब्लर वाला इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर में व्हाइट मार्क लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही वॉलपेपर की लेयर में जो व्हाइट मार्क लग जाएगा, अब आपको लेयर को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम 0.2 सेकंड तक इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी आपको व्हाइट मार्क लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही लेयर में जो व्हाइट मार्क लग जाएगा। अब गाइस ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये अभी 0.150 पर सेट है, इसको आपको 0 पर लाना है। इस तरह से लेयर के भी शुरू में आना है। तो इस तरह से जो ब्लर वाला इफेक्ट हो लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको बेकाना है। तो गाइस अभी इस वीडियो को आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वीडियो पर क्लिक करना है।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी जो ये वीडियो है गैलरी में सेव हो जाएगी। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आपको टर्बो VPN वाले ऐप को ओपन करना है। टर्बो VPN वाले ऐप की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से हम टर्बो VPN वाले ऐप को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद आपको टू कनेक्ट के नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो VPN ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा। हमारा जो VPN ऐप है वो कनेक्ट हो चुका है। इस तरह से आपको VPN ऐप को कनेक्ट करना है। VPN ऐप कनेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। तो इस तरह से हम कैपकट ऐप को यहाँ पर ओपन करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग VPN ऐप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो कैपकट ऐप में इफेक्ट आते हैं वो आपके कैपकट ऐप में इफेक्ट नहीं आएंगे। इसलिए आपको पहले VPN ऐप को कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको कैपकट ऐप को ओपन करना है। कैपकट ऐप ओपन होने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको उसी वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने अलाइट मूव स्नैप से बनाई थी, उसी वाली वीडियो को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी जो वीडियो है कैपकट ऐप में इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आपको वीडियो के लास्ट में जाना है। यहाँ पर जो एंड में आपको वाटर मार्क मिल रहा है कैपकट ऐप का, इसको आपको डिलीट करना है। इस तरह से आपको वाटर मार्क पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो कैपकट ऐप का वाटर मार्क है वो डिलीट हो जाएगा। अब आपको वीडियो के शुरू में आना है। गाइस आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट जो आ जाएंगे। तो आपको ये फर्स्ट में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेकेंड नंबर पर जो हेलो ब्लर वाला इफेक्ट मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे वीडियो में इस तरह से जो ब्लर वाला इफेक्ट लग जाएगा। अब आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने का जो इंटेंसिटी का ऑप्शन है इसको आपको 100 पर सेट करना है। इस तरह से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।